राज्य सरकार के राज्य सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत मुख्यमंत्री के सलाहकार जीएस संधु बुधवार को जिले के निकायों की बैठक लेने अजमेर पहुंचे। इस दौरान नगर निगम के पार्षद ने उनसे मुलाकात कर आपत्ति जताई। पार्षदों का कहना है कि शासन की मंशा पट्टे बांटने की है, लेकिन निगम के अधिकारी इसमें रोड़े अटका रहे हैं। अब तक केवल 20% ही पट्टे वितरित हुए हैं। एडीए ने 48 कच्ची बस्तियों में नाम मात्र के पट्टे जारी की है। निगम सीमा में कई परिवार ऐसे हैं जो 75 सालों से निवास कर रहे हैं। इनके संबंध में जल्द ही गाइडलाइन जारी कराई जाए। संधु ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बातों से शासन को अवगत कराते हुए जल्दी इनका निराकरण कराया जाएगा। आज किसको लेकर के मिले और किनसे मिले? माननीय श्रीमान जीएस संधु साहब से पट्टों के संबंध में बातचीत हुई है, लेकिन मेरी मूल शिकायत ये थी कि सरकार ने इतने सारी गाइडलाइन से हर बिंदु को पहली को सरलीकरण किया, लेकिन अधिकारी लोग नहीं काम करने के उद्देश्य से ये लोग टल्ला मारते हैं। इसलिए हमने शिकायत करी है कि आखिर में कब तक जनता चक्कर लगाएगी, जबकि सारी बातें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। उसके बाद में इनको पाबंद किया जाए कि जो भी खसरे जहाँ पे एडीए ने काम नहीं किया, उसकी योजना क्षेत्र में नहीं है, उसको तुरंत प्रभाव से हस्तांतरित किया जाए। माननीय जिलाधीश महोदय ने और माननीय जीएस संधु साहब ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं बनवरलाल शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर। आज मैंने हमारी मुलाकात जी संधु साहब से हुई। हमने उनको अवगत कराया कि एडीए प्रशासन जो एनओसी हमें नहीं दे रहा है निगम को, और निगम की मंशा पट्टे देने के लिए एडीए उसमें रोड़ा लगा रहा है। मैं जनप्रतिनिधि होते हुए भी 10 चक्कर काट चुका हूँ एडीए के अभी तक, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। एनओसी के नाम पर बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और चक्कर कटवाना। जब हमारे ही हाल है तो आम जन के तो क्या हाल होंगे। हम चाहते हैं सबको पट्टा मिले, लेकिन पट्टे अभी 17 से 20% भी नहीं हो पाए हैं अजमेर के अंदर। किस तरीके से आश्वासन दिया इन्होंने, कहा एनओसी वाला सिस्टम खत्म कर रहे हैं और कलेक्टर साहब को उन्होंने पावर दी है पट्टे का। मनोज कुमार मामला नहीं, पार्षद वार्ड नंबर।